दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। दरअसल पूरा मामला नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पैंजुना पंचायत से संबंधित है। मामले की जानकारी हम आपको बताते चले कि पैंजुना पंचायत के जो इंदिरा आवास सहायक है नवीन कुमार, उनके द्वारा इंदिरा आवास योजना की सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर करीब दर्जनों महिलाओं से अवैध वसूली की गई है। जी हाँ, जो हमारे पास वीडियो उपलब्ध हुआ है उसमें महिलाएं जो हैं वो नवीन कुमार जो इंदिरा आवास सहायक हैं अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पैजुना पंचायत के, उन पर महिलाएं आरोप लगा रही है 500 से 5000 रुपये तक की अवैध वसूली की गई है, और यह नाम पर कि उन्हें इंदिरा आवास योजना की सूची में नाम दर्ज कराया जाएगा। लेकिन जब सूची आई है उसमें उन लोगों का नाम भी नहीं है, और इंदिरा आवास सहायक जो नवीन कुमार हैं इनके द्वारा इन महिलाओं से अवैध वसूली भी की गई है। इतना ही नहीं, इस पूरा मामला में पंचायत के जो उपमुखिया हैं बिरजू कुमार, उनकी भी मिली भगत है। जो महिलाएं जिस रूप से बता रही हैं, जो महिलाओं का कहना है वो आपने भी सुना है और सुन भी रहे हैं। दोस्तों हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। जो यह ताज़ा मामला नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो पैंजुना पंचायत का मामला है, इसकी पूरी हम और आपको विस्तृत जानकारी दे दें। जो इंदिरा आवास सहायक नवीन कुमार हैं इनके द्वारा, जैसा लोग बता रहे हैं, विश्वस्त सूत्र जो हमारे हैं उनके द्वारा जो जानकारी हमें दी गई है कि इंदिरा आवास योजना की जो सूची है उसमें वैसे लोगों का नाम आया है जिनके पास जो यानी योग्य नहीं थे, इंदिरा आवास के लायक नहीं थे, लेकिन जो लोग योग्य थे, इंदिरा आवास लेने लायक थे, उन्हें इंदिरा आवास नहीं दिया गया है, उनकी सूची में नाम दर्ज नहीं की गई है और उनसे पैसे भी ले लिए गए हैं। महिलाएं जो आरोप लगा रही है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है वो तो जाँच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके द्वारा नवादा जिलाधिकारी के पास आवेदन पत्र भी दिया गया है कि जो सूची आई है उसे रद्द किया जाए और जो इंदिरा आवास सहायक हैं अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के पैंजुना पंचायत के, उन्हें हटाया जाए, इंदिरा आवास सहायक के पद पर से इस पंचायत से हटाया जाए और इस सूची को रद्द कर वैसे लोगों का नाम दर्ज किया जाए सूची में जो इंदिरा आवास लेने लायक हैं। आप क्यों खड़ा है, इतना भीड़ क्यों लगाए हुए हैं? लगाए हैं अभी घर रहने के लिए, इंदिरा आवास के लिए। इंदिरा आवास आपको नहीं मिला है? नहीं। काहे नहीं मिला है? काहे नहीं मिला, क्या किया? पैसा ले लिया। पैसा कौन लिया? हम लिया है। बिरजू कौन है? गांव के गांव का उपमुखिया है। अच्छा, नहीं लिया था। कितना पैसा आपसे लिया? हमसे नहीं लिया, काम नहीं किया। अच्छा, आप बोलिए, आप कितना पैसा दिए? पैसा नहीं दिया, काम नहीं किया है। अच्छा, पैसा भी लेता है नवीन कुमार? नाम जोड़ने के सूची में पैसा भी मांग कर रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? कमला देवी। चलिए, अच्छा आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम निर्मला देवी। क्या आपके साथ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि घर दुआर नहीं है, एकदम जाके देखती सब पांच को मिल के नहीं कि कौन स्थिति में घर है। वो अब 5000 रुपया ले लेलखिन, वो है नवीन सर 5000 रुपया लिया? हाँ। काहे लिया? नाम नहीं जोड़ा, देखो तो बोल नहीं, मतलब पैसा लेने के पैसा लेके भी नहीं नाम जोड़ा गया? घर दुआर है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? निर्मला देवी। अच्छा, पति का नाम? विनोद जाधव। दोस्तों हमने जो आपको जानकारी दी पैजुना पंचायत से संबंधित, जहां एक तरफ पूरा देश वैश्विक महामारी की जंग से लड़ रहा है, लेकिन ये जो इंदिरा आवास सहायक हैं, जिस तरह से महिलाएं आरोप लगा रही हैं, उनके द्वारा जो अवैध वसूली की गई है वो काफ़ी हद तक शर्मनाक है। क्योंकि जहां एक तरफ नवादा जिला प्रशासन भी एवं नवादा जिले के कई वरीय पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी जो हैं, जो सरकार से संबंधित थे, कई स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं, वो गरीब लाचार असहाय जरूरतमंद लोगों को मदद कर रही थी, लेकिन ये पैंजुना पंचायत के जो इंदिरा आवास सहायक हैं वो इन गरीबों से अवैध राशि वसूली करने में लगे थे, इंदिरा आवास की सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर। यह एक अच्छी हरकत नहीं है, इनके द्वारा जो यह करतूत की गई है वो शर्मनाक है। दोस्तों
लगातार हम अब तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉमेंट्स करें। अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा होगा तो आप हमें कॉमेंट्स जरूर करके बताइएगा और हमें सलाह भी दीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।